मदीने दी रियासत दा इमाम, मदीने दी रियासत दे अंदर मक्के दे अंदर जा करके फरमाया हक आ गया, बादल चला गया, बुद्धा नु तोड़ दिता जावे। जो सन 47 दे अंदर असी पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बनान तो बाद नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर असी जनाब जो पाकिस्तान बनाया, साडिया बुजुर्गां जाना कुर्बान की दिया, मावा पैना दिया इस्तान उतार तार कर दिता गया। फिर मुश्किलां दे नाल मुलक नूं अलग कीता गया, फिर अलग हो गए, उधर अलग हो गए, इधर अलग हो गए। इन्हां नूं मसाजिद मिल गईयां, उन्हां नूं मंदिर मिल गए, उन्हां नूं सिखां दे गुरुद्वारे मिल गए। अज जनाब साडे वजीर आजम इमरान खान साहब फरमांदे ने कि जनाब उन्हां नूं भी ते हकूक देने चाहिए ने, उन्हां नूं भी ते जनाब इस्लामाबाद दे अंदर मंदिर बनाने की इजाजत देनी चाहिए। खान साहब अपना वादा याद करो, तुसी जिदो आए हो तुसी कह के आए हो कि मैं मदीने की रियासत बनावांगा। मदीने की रियासत च बुत बनाए नहीं जाते बल्कि बुत तोड़े जाते ने। इन्हां बुतां नूं तोड़ दिता जावे, इन्हां नूं बनाया ना जावे, ए कैसी मदीने की रियासत है। उधर जनाब उन्हां दा जनाब गुरुद्वारा बनाने के चक्करां दे अंदर, उन्हां दा मंदिर बनाने के चक्करां दे अंदर साडी जामिया मस्जिद तौहीद नूं शहीद कर दिता गया, बुलडोजर लिया के मस्जिद नूं गिरा दिता गया। वे कादा इस्लाम है, वे कादा पाकिस्तान है जिदे अंदर मसाजिद नूं गिरा के गुरुद्वारिया नूं बनाया जा रहा है, मसाजिद नूं गिरा के मंदिर तमीर कीते जा रहे ने। अपना बयान वापस लवो। अगर असी जनाब चुप हाँ, असी कहने हैं इस मुल्क दे अंदर अमन रहना चाहिए, अमन नूं बर्बाद करना नहीं चाहते। अगर तुसी इस तरह कीता, मस्जिदां नूं शहीद करके मंदिरां नूं बनाया गया, अल्लाह दी कसम उठा के कहना, मस्जिद दे अंदर खड़े होकर के कहना, असी जनाब अपनियां जानां कुर्बान कर दांगे। जे नबी पाक दे सहाबा जानां कुर्बान कर दित्तियां, असी अपनियां जानां कुर्बान करके चले जावांगे, मगर मसाजिद नूं कुछ होण नहीं जे दवांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله
الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا जेड़ा हक नहीं मनदा है डरनू जेड़ा हक नहीं मनदा है डरनू ओ ईमान यकीन दे नहीं आया उस्मान दिशान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया ओ जेड़ा उमर दा मुनकर है बशर ऐजे ओ जेड़ा उमर दा मुनकर है ओ बशर आजे इस दीन ते नहीं आया सिद्दीक दा सच मशकोक है तां ते सच जमीन ते नहीं आया मुख्तसर हमद व सना तो बाद इमामुल अंबिया हबीब खुदा नैयर बतहा जीनत काबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस व अतहर व आला व बाला वास्ते हजरत मोहतरम कुरान मजीद दी जड़ी आयत मुबारका मैं तुस अहबाब दे सामने तिलावत फरमाईए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत दे अंदर फरमाया जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल दी अतात करदा है वो अल्लाह और उसके रसूल ते इन्ना नेका दे नाल होएगा इन्ना दा साथ मिल जाएगा। अज मैं नबी पाक दे उस सहाबी दा तज़किरा करना चाहना जिन्हों नबी पाक ने अपनी जुबान तो सिद्दीक आख्या हजरत सिद्दीक अकबर दी शाम दा तज़किरा करना चाहना लोगा जनाब हजरत सिद्दीक अकबर दी शाम दे अंदर गुस्ताखियां कीतियां किसे ने कुछ लफज के सिद्दीक ने नबी दे नाल वफा नहीं की थी सिद्दीक ने नबी दे नाल जनाब बेवफाइयां कीतियां किसे ने कुछ आख्या किसे ने कुछ आख्या जिदो अल्लाह दे नबी ने जिदो जनाब ऐलान कीता औरतां दे अंदरों अम्मा जी खदीजा ने सब तो पहले कलमा पढ़िया बच्चियां दे अंदरों सब तो पहले हजरत अली ने कलमा पढ़िया ते जवाना दे अंदरों हजरत सिद्दीक अकबर सब तो पहले नबी पाक दे उते ईमान लै करके आए हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक दे नाल चलन वाले हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक दे तो अपनी जान अपना माल अपनी औलाद कुर्बान कर देन वाले अपनी माल दा अपनी औलाद दा अपनी जान दी परेशानी नहीं लीती नबी पाक नु फरमाया सोनिया हुक्म करो मेरा खून हाजिर है ए हजरत सिद्दीक अकबर है जिदे उते नबी पाक ने भी इतना इत्माद कीता हिजरत दा सफर करना नबी पाक ने फरमाया सिद्दीक अल्लाह ने मेनू हिजरत दा हुक्म दिता नाल हजरत सिद्दीक नु फरमाया सिद्दीक तेनू लेके जान दी तकीद कर दीती है ऐ जी ओ सिद्दीक नबी पाक दे नाल इतनी मोहब्बत इतना प्यार करन वाला सिद्दीक है नबी पाक नु अपनी बेटी नबी पाक दी उम्र 52 साल है अपनी बेटी 9 साल बेटी हजरत आयशा दा निकाह नबी पाक दे नाल करन वाला सिद्दीक है जान भी कुर्बान की थी माल भी कुर्बान कीता औलाद भी कुर्बान कर गए हजरत सिद्दीक अकबर नु नबी पाक ने फरमाया सिद्दीक अगर आज तो बाद कोई अमल ना भी करे सिद्दीक तू जनती है नबी पाक ने अपनी जुबान नबूवत तो फरमाया जिदो नबी पाक ने फरमा दिता फिर इस गल दे अंदर शक रह ही कोई नहीं जे सकदा जेड़ा बकवास करदा है जेड़ा हजरत सिद्दीक अकबर दे बारे जुबान चो बोलदा है अल्लाह दी कसम खा के कहना
कहना बदनाम होएगा, इत्थे भी जलील होएगा, उत्थे भी जाके जलील होएगा। हजरत सिद्दीक अकबर दी शान कल भी जिंदाबाद सी, अज भी हजरत सिद्दीक दी शान जिंदाबाद है। जेड़ा हलाल दा हुंदा हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक दे बल्कि जितने सहाबा सहाबा दे बारे जुबाना नु नहीं जे खोलिया करदा, सहाबा दे नाल अदब एहतराम दे नाल पेश आया करदा। आइए जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान ते गौर फरमाना। मेरी दिली दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नु एदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आइए जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान ते गौर फरमाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे कुरान मजीद दे अंदर ऐलान फरमाया व मैं युति इल्ला वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीना वसिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन वहसुना औलाइका रफीका। अल्लाह दे नबी दे जेड़े सहाबा नबी पाक दे उतो जाना कुर्बान करन वाले, अल्लाह दे नबी दे सहाबा नबी पाक दे उतो अपना धन मन धन मां बाप दे अपने लाद दे अपनिया माल बेटियां कुर्बान करन वाले है। जे मेरे पैगंबर दा सहाबी सिद्दीक हैं, जे अम्मा जी आयशा सिद्दीका बयान फरमांदियां हैं, रात दियां तरीखियां दा वेला मैं नबी पाक दे नाल हैं, जे सहन दे अंदर लेटी होई हां, आसमाना वल चेहरा उठाया होया। मैं कहनी हां सोनिया महबूबा जितने आसमान दे तारे ने क्या किसे दियां इतनियां नेकियां है ने, फरमांदियां कि जदों मैं ए गल करनी हां मेरे दिल दे अंदर के नबी पाक मेरे बाबा जान दा नाम लेंगे। नबी पाक फरमांदे ने हां हां आयशा जितने आसमान दे तारे ने इतनियां नेकियां ते हजरत उमर दियां नेकियां ने। अम्मा जी आयशा इंज दिल छोटा कर दियां, इंज दिल थोड़ा कर दियां, खामोश हो जांदियां। नबी पाक फरमांदे ने आयशा खामोशी दी वजह की है, आयशा चुप क्यों हो गई है? फरमांदियां सोनिया महबूबा मेरे दिल दे अंदर ख्याल सी के तुसी मेरे बाबा जान दा नाम लवोगे, तुसी हजरत उमर दा नाम ले लिता। नबी पाक फरमांदे ने नी आयशा उमर दियां पूरी जिंदगी दियां नेकियां आसमान दे तारियां दे बराबर ने। सिद्दीक दे एक रात दी नेकी जेड़े हिजरत दी रात मैनू उठा के घर दे अंदर लेके गया, ओह नेकी ओदी आसमान दे तारियां दे बराबर है। सिद्दीक नेकियां दे अंदर सारे सहाबा तो अगे रहन वाला, नबी पाक दे सहाबा इंज बैठे हुए नबी पाक फरमांदे अज केड़ा बंदा जिन्हें अज नमाज़े जनाजा पढ़िया। सिद्दीक खड़ा होके कहंदा सोनिया मैं पढ़िया है। नबी पाक फरमांदे अज केड़ा बंदा जिन्हें अज बीमार दी बीमार पुष्टि की, हजरत सिद्दीक कहंदे सोनिया मैं करके आया। नबी पाक फरमांदे ने केड़ा सहाबी है जिन्हें अज रोजा रखिया, सारे बैठे सिद्दीक कहंदा सोनिया मैं रखिया है। हजरत उमर फरमांदे पूरी जिंदगी दे अंदर मेरा ऐखी ज़ेन खुंदा के यार मैं अबू बकर तो नेकी दे अंदर अगे चला जावा, अबू बकर तो नेकी दे अंदर ज्यादा हो जावा। फरमांदे पूरी जिंदगी दे अंदर नेकी दे अंदर मैं अबू बकर उमर नू उमर कहंदे मैं अबू बकर नू कट ना सकिया। इंज के कट दे अंदर हजरत उमर फरमांदे एक बुढ़िया औरत है अखा तो नबी नी उन्हू नजर नहीं आंदा, ओदे कट दे अंदर मैं जाया करदा, ओदे कट दा जाके काम करया करदा। एक दिन मैं ओदे कट दे अंदर जाना ते ओदे कट दियां सफाइयां भी होईयां, ओदे कट दा पानी भी पड़िया होया। मैं कहना मां जी दसो ना मैं ते हुण आया केड़ा आया जेड़ा ते पानी भी पड़ गया सफाइयां भी कर गया। कहंदी पुत्रा मैनू केड़ा नजर आंदा है, तेरे जैसे ही कोई जवान आया वो काम काज करके चला गया। हजरत उमर फरमांदे मैं अगले दिन जाना फिर सफाइयां होईयां, फिर उस तो अगले दिन जाना फिर सफाइयां होईयां। मैं सोचिया कि यार वो बंदा ते वेखा केड़ा है जेड़ा ए नेकी मैं करना सा, मेरे तो पहले ही नेकी करके चला जांदा है।
कहंदे मैं एक जगह दे उते छुप के खड़ा होना इंज सिद्दीक अकबर उस घर चो बाहर निकल दे इंज गुजरदे पे ने मैं जाके पीछे कंधे दे उते हाथ रखिया वो जान वाला बंदा मुड़ के पीछे वेखदा है मैं क्या यार तू सिद्दीक है यार सिद्दीक तू ऐस नेकी दे अंदर भी सबकत लै गया है ऐस नेकी दे अंदर भी तू अगे निकल गया है फरमांदे मैं अपनी जिंदगी दे अंदर सोचिया करदा के यार नेकी च मैं अगे चला जावा नबी पाक ने ऐलान फरमाया जहाद दा फंड इकट्ठा करो जहाद दे वास्ते फंड दवो हजरत सिद्दीक अकबर भी अपने घर दे अंदर जांदे हजरत उमर फारूक भी अपने घर दे अंदर चले जांदे हजरत उमर फरमांदे अज मेरे दिल दे अंदर ऐ तमन्ना ते ऐ ख्वाहिश है मैं कहना के यार अज मैं अबू बकर नु अगे नहीं जे जान देना इंजी रेड़ी पढ़ लेंदे ने हजरत उमर ने एक रेड़ी पढ़ी है समान दी दे लिया के नबी पाक दी खिदमत दे अंदर अर्जा कर देने सोनिया महबूबा ऐ समान मैं लेके आया कहंदे इतनी देर दे अंदर मैं वेखना पिया सिद्दीक भी आ रहा है एक गठरी उठाई हुई है इंज गठरी लेके आंदा पिया ते नबी पाक दी खिदमत च आके समान पेश करदा है अज कहंदे मेरे दिल च ख्याल आंदा के यार मैं अज सिद्दीक तो अगे वध गया अज सिद्दीक तो सबकत ले जावांगा कहंदे जदो सिद्दीक आंदा आके ओ गठरी नबी पाक दी खिदमत दे अंदर हाजिर करदा नबी पाक नु पकड़ांदा ते नबी पाक फरमांदे ने दस ना सिद्दीक घर दे अंदर कितना माल छड़ के आया है ते कितना माल लेके आया ते नबी पाक नु हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे सोनिया महबूबा घर दे अंदर झाड़ू दे के हत्ता के अपने कपड़े भी उतार के ते जनाब टाट पहन लेते पौड़ियां दा लिबास पहन लेता सोनिया महबूबा घर दे अंदर झाड़ू दे के हत्ता के अगर सुई भी मिली है ते ओ भी मैं लेके आ गया वा फरमाया उमर तू कितना माल लेके आया है फरमाया सोनिया महबूबा अद्धा सामान लेके आ गया अद्धा घर दे अंदर छड़ के आ गया अद्धा तुहाडी खिदमत च हाजिर हो गया लेके आ गया नबी पाक फरमांदे सिद्दीक तू कितना लेके आया ते घर दे अंदर की छड़ के आया फरमाया सोनिया महबूबा मेरे घर दे अंदर जितना माल सी मैं सारा ही ले आया घर दे अंदर अल्लाह ते ओदे नबी दी मोहब्बत छड़ के आया फरमांदे मैं अज भी परेशान हां के यार अज भी सिद्दीक सबकत ले गया अज भी सिद्दीक अगे चला गया है जे नबी पाक दा वफादार सिद्दीक है जे नबी पाक दे नाल चलन वाला सिद्दीक नबी दे उतो अपना माल कुर्बान करन वाला सिद्दीक सड़ा नहीं सोचिया के कर दे अंदर कुछ नहीं रह गया सारे दा सारा माल अल्लाह दे नबी दी खिदमत च दे दिता है जे सिद्दीक एक मौका ऐसा भी आंदा है नबी पाक इंज मस्जिद दे अंदर बैठे हुए ने नबी पाक दे अपने भी उस जगह ते मौजूद ने बेगाने भी मौजूद ने नबी पाक ने अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कीता अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहु इंज हले ऐलान कीता इंज अपने ते अपने ने बेगाने ते बेगाने अपने भी मारन लग पैंदे नबी पाक इंज नीचे ने सारे इंज आ जांदे ने नबी पाक दे ऊपर आके मारन लग पैंदे के अल्लाह वाला की कहंदा है कहंदा नबी पाक ने ऐलान कीता अबू जाल कहंदा वे ने साडे जेड़े बड़े ने उन्हां दा इनकार कीता मारो इंज सारे ही मारन लग पैंदे नबी पाक नीचे सारे ऊपर आके मारन लग पैंदे ने अल्लाह वाला की कहंदा कहंदा मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके वे आका ने पुंडा दिख खर हिलाई यहूदी ईसाई ईरानी तरानी मकी हाशमी चीनी मलाई बने सारे दुश्मन प्यासे लहू दे फड़ो मारो मारो देवन दुहाई वे साडे मबूदा वे साडे
मबूदा दबे अदब ए जमिया वे ले फिरदा इको खुदा दी खुदाई। इतना मारिया जांदा है पता चलदा सिद्दीक अकबर नु के तेरे नबी पाक नु मारा पैरियां। सिद्दीक नसदा नसदा इंज मस्जिद अंदर आ के सारिया नु पीछे करके नबी पाक दे उपर इंज छतरी कर देंदा इंज विश जांदा मारा ते नबी पाक नु पै रहीयां हुण सिद्दीक नु पैन लग पईयां। इतना मारिया जांदा किसे ने कोई चीज हजरत सिद्दीक अकबर दे सर दे अंदर मारी। हजरत सिद्दीक अकबर बेहोश हो जांदे। हजरत सिद्दीक अकबर नु उठाया जांदा है उठा के कर दे अंदर बुझाया जांदा है। हजरत सिद्दीक अकबर दी अम्मा इंज एक दुध दा प्याला लेके अपने बेटे दे सराने आके खड़ियां हो जांदियां। अम्मा मुसलमान कोई नहीं जे मगर मां दे वास्ते औलाद ते औलाद ही होया कर दिए। इंज आके बेटे दे सराने दुध दा प्याला लेके खड़ियां हो जांदियां है कि मेरा बेटा अखां खोले मैं अपने बेटे नु दुध पिला छड़ा। मेरा बेटा अखां खोले मैं अपने बेटे नु दुध दे छड़ा। इंज बेटा आराम दे नाल लेटिया बेहोशी दी हालत दे अंदर होश आंदी है अखां खोलदियां। मोहल्ले दे लोग आके मां नु कहंदे ने इनु उस नबी तो दूर कर लै नहीं ते एदे नाल भी बुरा हाल करांगे। इनु उस नबी तो दूर कर लै। इंज मां नु कही जांदे पर मां मां ही होया कर दिए ता क्या करना। वे दो जगे अंदर ये तू शान चाने वे दसा अमल ते कर तू ले आ कर वे जिस हाल दे विच होवे मां राजी वे उसे हाल दे विच तू जी ले आ कर वे उच्चा बोल ना बोली मां अगे वे मां सामने तू लबानू सिले आ कर ये तू दोना जहाना दी खैर चाने ते तो के पैर मां दे पीले आ कर। हजरत सिद्दीक अकबर इंज मां सराने दे नाल ही खड़ी है। इंज दुध दा प्याला लेके आंदी है बेटा दुध पी ले। अम्मा प्यारी है मैं दुध नहीं पियांगा पुत्रा तू दुध पिएगा मैनू सुकून आ जाएगा। अम्मा दुध मैं पियांगा सुकून तेनू आ जाएगा पर मैनू ते नहीं ना आएगा। पहले दसो ना मेरे नबी दा की हाल है। मां जी मैनू उस नबी दे कोल ले जो ले जाके मैं नबी पाक नू वेखा ते मैनू सुकून आ जाएगा। मां कहंदी है पुत्रा मैनू ते नहीं पता कि तेरा नबी किथे रहंदा है। फरमाया जाओ ना उम्मे सुलैम नू बुलाया जावे। उम्मे सुलैम आंदियां ने आके कहंदियां बेटा मैनू पता कि नबी पाक फलां जगह दे उते मैं वेख के आई हां नबी पाक बिल्कुल ठीक ने। फरमाया इंज मैनू सुकून नहीं जे आएगा जदों तक सिद्दीक अपनियां अखां ना वेख ना लवे सिद्दीक नू सुकून नहीं जे आएगा। फरमाया ठीक है बेटा। फिर इंज करके उम्मे सुलैम दे कंधे दे उते सिद्दीक अकबर ने एक हथ रखिया एक अपनी अम्मा जान दे कंधे दे उपर हथ रखिया। चलिया कोई नहीं जा रहा लत्तां घसीटदा घसीटदा सिद्दीक अकबर इंज दाड़े अड़कम दे अंदर पहुंचदे ने। नबी पाक इंज अपने सहाबा दे नाल बैठे होए ने। इंज सिद्दीक अकबर आंदे नबी पाक दियां नजरां पैंदियां कि मेरा यार सिद्दीक आ गया है। नबी पाक उठ के सिद्दीक दे वल दौड़ पैंदे ने। नबी पाक ने जाके इंज मुहब्बत दा गलावा खोलिया फरमाया यार सिद्दीक मेरे सीने ना लग जा यार मेरे सीने ना लग जा तेनू मेरी खातर इतनियां तकलीफां बर्दाश्त करनियां पईयां तेनू मेरी खातर इतनियां मारां खानियां पईयां सिद्दीक यार मेरे सीने ना लग जा। हजरत सिद्दीक फरमांदे सो
सोनिया ऐ दे मेरी एक जाने ये हजार जाना भी खुंदिया मैं एक एक करके कुर्बान कर देंदा सोनिया ऐ दे मेरी एक जाने अगर हजार भी खुंदिया कुर्बान कर देंदा नाल ही कहंदे ने सोनिया महबूबा ऐ मेरी मां जे मेरी मां दे हक दे अंदर दुआए कर छड़ो रहमतुल आलमीन नबी ने अपने हत्था नु उठाया नबी पाक अपने हत्था नु उठा के कहंदे अल्लाह सिद्दीक दी मां नु कलमा नसीब कर दे नबी दे हाथ उठदे ने नाल ही मां कलमा पढ़ लंदी ऐ जे सिद्दीक नबी दे उतो माल भी दिता नबी तो अपनी जान भी कुर्बान कर दीती एक गजबे दे अंदर बेटा बाप दे सामने आंदा है इंज तलवार पकड़ी हुई है अबू जाल वल्लों में हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक वल्लों ने इंज लड़दियां लड़दियां बेटा गजबा बदर दे अंदर बेटा इंज बाप दे सामने आंदा है तलवार नु हटा लैंदा है तीन चार मर्तबा ऐसा मौका बनिया बाप नु के यार मेरा सिद्दीक बाप है बाप नु ते नहीं ना मारना बाप नु छड़ देंदा जदों गजबा मुकिया कर दे अंदर आंदे ने आके बाप बेटा बाप नु कहंदा के कहंदा बाबा हजरत सिद्दीक अकबर दा बेटा कहंदा बाबा गजबा दे अंदर तीन या चार मर्तबा तुसी मेरी तलवार दे नीचे आए मगर मैं तुहानू बाप समझ के छड़ देता मैं बाप समझ के तलवार पीछे कर लैंदा फरमाया पुत्रा अगर तू मेरी तलवार दे नीचे एक मर्तबा भी आ जांदा मैं नबी दा गुस्ताख समझ के मार देंदा मैं बेटा समझ के तेनू ना छड़दा ऐ जे सिद्दीक जान भी कुर्बान कीती माल भी कुर्बान कीता औलाद भी कुर्बान कीती ऐ जे मेरे पैगंबर दा यार सिद्दीक वेख लै नबी पाक ने फरमाया जी दो सहाबा दे मस्जिद नबवी दे अंदर दरवाजे खुलिया कर दे घरां दे दरवाजे मस्जिद नबवी दे सहन दे अंदर होया कर दे फरमाया सारियां दे मस्जिद नबवी दे सहन दे अंदर दरवाजियां नु बंद कर दिता जावे बस सिद्दीक दा दरवाजा नहीं बंद करना सिद्दीक दा दरवाजा खुला ही रहन देना ऐ जे मेरे पैगंबर दा प्यार सिद्दीक दे नाल ऐ जे मेरे पैगंबर दी मोहब्बत सिद्दीक दे नाल यार ओ भी ते वक्त आया ओ भी ते टाइम आया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजरत दा हुक्म दिता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक नु हिजरत दा हुक्म दिता सोनिया महबूबा मक्का छड़ के मदीना दे अंदर चले जावो मक्का छड़ो ते मदीना दे अंदर चले जावो नबी पाक ने इंज करके दोपहर दी गर्मी दा वेला मक्के दी गर्मी ते वैसे ही मशहूर है गर्मी दा टाइम है करो निकल देने जाके सिद्दीक दा दरवाजा खड़काया वे यार सिद्दीक ओ वे जेड़ा हिजरत दे अंदर नबी पाक दी सवारी बन गया उस तो पहले एक नबी पाक दा सफर मेराज दा सफर है किदो जनाब मेराज दा सफर आंदा है जिब्रील आसमाना दे उतो बराक लेके आंदा है नबी पाक नु जनाब बराक सवारी दी लोड पैंदी है बराक पेश कीती जांदी है हिजरत दे सफर दे अंदर नबी पाक नु सवारी दी लोड पैंदी सिद्दीक आप ही सवारी बन जांदा है ओ भी ते सफर नबी पाक रात नु जांदे सत्ता आसमाना दी सैर करदे अक्सा वेखदे जन्नत वेखदे जहन्नम वेखदे इंज नबियां नु इमामत करवांदे ने कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान की कहंदा है फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर अक्सा दे अंदर नबियां नु इमामत करवाई इत्थे जिब्रील आके की कहंदे ने वे अर्ज कीती जिब्रील सोने नु आके उठो आका रब दा पैगाम आ गया है सवारी लिदड़ ते बड़ा गा गया है महारा फड़न ले गुलाम आ गया है जा
तक साच पहुंचे वे आका हमारे खड़े सन नबी इंतजारे च सारे ते जिबरील नबिया नू ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। नबी पाक जी हिजरत दे सफर तो वापस आंदे ने मराज दा सफर करके वापस आंदे नबी पाक ने आके दसिया के मैं रात दे टाइम अक्सा वेखी जन्नत वेखी जहन्नम वेखी सत्ता आसमान दी सैर करके आया रातो रात सैर करके आ गया। अबू जाल हसदा पे है कहंदे इंज ते नहीं ना हो सकदा कहंदे अज ते सिद्दीक दी मुखालफत करेगा चलदा चलदा हजरत सिद्दीक दे घर दा दरवाजा खड़कांदा है हजरत सिद्दीक फरमांदे अबू जाल खैर ते है वे की लैन वास्ते आया है कहंदा दस ना के यार कोई बंदा कवे के मैं रातो रात सत्ता आसमाना दी सैर करके आया नबियां नु इमामत करवा के आया मैं जन्नत जहन्नम वे के आया क्या इंज हो सकदा है। सिद्दीक फरमांदे ने दस ना यार इंज क्या किन्ने में कहंदा तेरे नबी ने के है नबी पाक फरमांदे ने के मैं रातो रात सैर करके आया हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे फिर इंज हो नहीं सकदा बल्कि हो गया फरमाया इंज हो नहीं सकदा अगर नबी पाक ने फरमाता फिर इंज हो गया। सिद्दीक ते नबी पाक दी हर गल दे उते सच कहन वाला सिद्दीक है नबी पाक दी हर गल दे लब्बैक कहन वाला सिद्दीक है। हिजरत दा सफर है हिजरत दा सफर करना है नबी पाक हजरत सिद्दीक अकबर दे दरवाजे ते आंदे हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे सोनिया महबूबा इतनी सख्त गर्मी दे अंदर तुसी मेरे घर दे अंदर आए हो मैनू गुलाम नू हुक्म कर देंदे मैं आप ही आ जांदा सोनिया महबूबा इतनी गर्मी दे अंदर क्यों आए हो। नबी पाक फरमांदे ने यार सिद्दीक मैं हिजरत करन लगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैनू हिजरत दा हुक्म दिता है। सिद्दीक अकबर इंज दिल थोड़ा कीता नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह ने मैनू हिजरत दा हुक्म दिता है ते नाल तेनू लैके जान दी तईद कर दी तू ते नाल जाना है सोनिया मैं हाजर हां कदों जाना है रात दियां तारीखियां दे अंदर निकलना है ते अल्लाह वाला की कहंदा कि नबी पाक आके फरमांदे ने ओ कर यार सिद्दीक ते यारी साडी अज़लां तो है यारी हिजरत दी मंजिल पाड़ी साडी अज़लां तो है यारी। हुण हिजरत दा सफर शुरू हुंदा है पहाड़ दा सफर शुरू होण लग्या नबी पाक फरमांदे ने कि यार थकावट हो गई किसे जगह ते बैठ जाइए कुछ देर आराम कर लिये किसे जगह ते बैठ जाइए। हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे सोनिया महबूबा साडे दुश्मन साडा पीछा कर दे इत्थे ना पहुंच जान इस करके हम सफर दे अंदर आराम नहीं कर सकते बैठ नहीं सकते पहाड़ ते जाके गार दे अंदर गारे सोड़ जेड़े जेड़े उमरे या हज ते गए ने आप अपनिया अखा ना वेख के आए ने मैं गुनाहगार भी वेख के आया दो दो ढाई घंटे जांदिया लगदे दो ढाई घंटे नीचे आंदिया लगदे ने सिद्दीक भी पहाड़ी ते चढ़दा ते नबी पाक नु कंधिया ते उठा के चढ़दा इंज नबी पाक दे कदमां दे उते नजरां पैंदियां नबी पाक दे कदम सुजे होए नजर आंदे ने ते अल्लाह वाला की कहंदा कहंदा नबी पाक नु जदों सिद्दीक अकबर नु नबी पाक फरमांदे कर यार सिद्दीक ते यारी साडी अज़लां तो है यारी हिजरत दी मंजिल पाड़ी साडी अज़लां तो है यारी। जदों सिद्दीक अकबर ने नबी पाक दियां कदमां वल वेख्या जदों पांव सुजे नजर आए कहंदे की ने ओ क्यों सुज गए पैर ने तेरे हैन किस लई कंधे मेरे तेरी बन जावा असवारी साडी अज़लां तो है यारी। ओ तेरा भार सिद्दीक उठावे तेनू कोई तकलीफ ना आवे सो मी।
मिल चल सा पारी साड़ी अजला तो है यारी मेरी हाजर आका जाने कुर्बान करा जिंद जाने मेरे बस बिच नहीं इनकारी साड़ी अजला तो है यारी नबी पाक नू अपने कंधियां ते बिठा के गार दे अंदर जांदे फरमाया सोनिया महबूबा तुसी गार तो बाहर ठहरो कोई ऐसा ना होवे के कोई मौजी जानवर कोई सांप या बिच्छू वगैरह दे अंदर खोन मैं पहले जाके गार साफ करना सिद्दीक इंज गार दे अंदर जांदे ने गार दी सफाई कर देने जेड़े जेड़े सुराख नजर आंदे सिद्दीक उन्ना सुराखा दे उते कपड़े रख देंदे ने इंज कपड़े लगा के सुराखा नु बंद कर दे जा रहे एक सुराख रह जांदा कपड़ा कोई नहीं बचदा सिद्दीक अकबर फरमाते सोनिया महबूबा अंदर आओ आके आराम करो नबी पाक इंज अंदर आंदे ने गार दे अंदर सिद्दीक अकबर ने अपना गोडा नबी पाक दा सराना बनाया नबी पाक इंज लेट जांदे फरमाया यार सिद्दीक तू भी थकया तू भी आराम कर ले मैं ते सो के अपनी थकावट दूर कर लवांगा तेरी थकावट किस तरह दूर होएगी फरमाया सोनिया महबूबा तुसी आराम कर लवो सो जावो तुहाडी सोना थकावट उतर जाएगी मेरी ताड़ा चेहरा वेख के थकावट उतर जाएगी आराम करो नबी पाक इंज सो जांदे ने जेड़ा एक सुराख रह जांदा सिद्दीक अकबर उथे अपनी एड़ी लगा देंदे ने उस सुराख दे उते अपनी एड़ी लगा देंदे नबी पाक सो जांदे जिथे एड़ी लगाई है बाल वाली साइड तो एक काला नग आके डंग मारदा है हजरत सिद्दीक अकबर दी एड़ी ते डंग मारदा है दर्द भी खोलिया मगर अपना पाँव नहीं हलारे किते नबी पाक दी नींद खराब ना हो जावे इंज दर्द दे अंदर ने फिर अखां दे उते ते इंसान दा कंट्रोल नहीं ना होया करदा दर्द दी वजह तो अख दा आंसू निकलिया दाड़ी च आंदा दाड़ी तो चलदा चलदा नबी पाक दे चेहरा अनवर ते आंदा इंज मेरे पैगंबर दे चेहरे दे उते आंसू गिरदा नबी पाक ने इंज अखां खोलियां फरमाया सिद्दीक की हो गया क्यों रोना पिया एक अल्लाह वाला की कहंदा कहंदा जिस राती सन गार दे अंदर दोनों महबूब प्यारे जिस राती सन गार दे अंदर दोनों महबूब प्यारे एड़ी सिद्दीक अकबर दी ते कई डंग सपने मारे ओए वेख के हजरत ओए वेख के आंसू पूछिया हजरत ओए क्यों रोवे यार प्यारे नाग काले ने दसया है मैनू सोना अबू बकर अर्ज गुजारे ते फौरन लब आका लाया ओए फौरन लब आका लाया ते नाली मुक गे रोने सारे नबी पाक ने उस एड़ी दे उते अपना लुआबे मुबारक कड़ के लगा दिता हले लगान दी देर हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे मेरी दर्द ही मुक जांदी है नबी पाक ने हले लगाया उधरों दर्द नाल ही खत्म हो जांदी है ऐ जे सिद्दीक ऐ जे नबी पाक दा सिद्दीक दे नाल प्यार नबी पाक जनाब जिथे भी जाया कर दे सिद्दीक अकबर नाल होया कर दे अज भी नबी पाक दे नाल दुनिया दे अंदर नाल चलिया कर दे अज भी मदीना पाक दे अंदर जाके वेख लवो नबी पाक दे सज्जी साइड दे उते अज भी सिद्दीक लेटिया होया है ऐस करके सिद्दीक दी शाम दे अंदर गुस्ताखी करन वाला तबाहो बर्बाद हो सकता है सिद्दीक दी शान कल भी जिंदाबाद अज भी जिंदाबाद है आइए जरा सिद्दीक अकबर दा प्यार नबी पाक दे नाल कितना फिर नबी पाक ने सिद्दीक अकबर दे नाल कितनी मोहब्बत की थी एक ऐसा मौका बंद है हजरत अबू बकर सिद्दीक ते हजरत उमर दा किसे मामले दे अंदर झगड़ा हुंदा तू मैं हो जांदी है आपस दे अंदर झगड़ पैंदे ने हजरत उमर चल दे अपने घर दे अंदर चले जांदे
इधरों हजरत सिद्दीक अकबर अपने घर दे अंदर आंदे ने, हजरत अबू बकर भी अपने घर दे अंदर, सिद्दीक भी अपने घर दे अंदर। घर दे अंदर सिद्दीक अकबर ने आके सोचिया कि यार मैनू इंज नहीं सी करना चाहिदा, चल कोई गल नहीं मेरा भाई लगदा उमर, मैं ओदे दरवाजे ते जाना, जाके माफी मंग लेना यार, वेख ले माफी मंगना, सिद्दीक दी इज्जत नहीं उकटी, तू अज कहना के मेरा पड़ा मेरे दरवाजे ते ना आवे, मेरे पुत्रो तुसी मेरे पड़ा नू मिलना तुसी मेरे जम्मे ही नहीं हो, ओनू बुलाना नहीं है, ओनू मिलना नहीं है, वो भुखा भी मरदा होवे ओदे घर दे अंदर खान नू कुछ नहीं देना। अज यार तू इतनिया इतनिया बड़िया दुश्मनियां रख लैना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे यार की होया, अगर मैं चला जावांगा कुछ नहीं हुंदा, जाके हजरत उमर दे दरवाजे दे उते खड़े हुंदे ने, घर दे अंदर वाली साइड तो हजरत उमर पुछदे ने मंद कल बाप कौन दरवाजे ते आना, अबू बकर मैं अबू बकर आया, अबू बकर की लैन वास्ते आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अदब दे नाल मोहब्बत ना कहंदे के यार मैं माफी मंगन आया, हजरत उमर फरमांदे मैं तेनू माफ कोई नहीं करना, मेरे दरवाजे तो चला जा मैं तेनू माफ नहीं करना। हजरत सिद्दीक अकबर दा दिल टुटदा, दिल दुखदा के यार मैं माफी मंगन आया, अगो इन्हें मेरे सुलह दा पैगाम रिजेक्ट कर दिता, घर दे अंदर नहीं जांदे, गुस्सा नहीं कीता, या जाके इंज नहीं किया कि मैं नबी पाक नू कहना, नबी पाक दे मेरे दोस्त ने मैं नबी पाक नू कहना उमर दे बारे कोई बयान ही दुआ देना, चलदे चलदे मस्जिद नबवी दे अंदर जांदे, इंज हदीस दे अंदर लिखिया है, बुखारी दे अंदर लिखिया है, एक गोडे वाली साइड तो गोडे तक अपना इंज तहमत उठाया खोया है। सिद्दीक अकबर गुस्से दे नाल इंज मस्जिद दे अंदर दाखिल हो रहे ने, नबी पाक इंज बैठे हुए ने, सिद्दीक दे आंदा लै जा वेखिया, वे यार दे यारां दियां अदावां तो वाकफ हुंदे ने, नबी पाक ने सिद्दीक दे आंदा लै जा वेखिया, फरमाया यार सिद्दीक लगदा तेरा किसे नाल झगड़ा हो गया, सोनिया महबूबा उमर दे नाल झगड़ा होया, फिर मैं ओदे घर दे अंदर जाके माफी भी मंगी है, उमर ने मैनू माफ नहीं जे कीता। इतनी गल सुनी नबी पाक दा चेहरा लाल हो जांदा है, नबी पाक उठदे ने ते मिंबर दे वल चलन लगे ने, सिद्दीक अकबर अपने गोडियां दे वजन ते खड़े हुंदे ने, पांव दे वजन ते खड़े नहीं जे हुंदे, गोडियां जे जमीन दे उपर लगा के गोडियां दे वजन ते खड़े हो के नबी पाक दे अगे हाथ बन के कहंदे, सोनिया महबूबा उमर नू कुछ ना आखिया जे, सोनिया उमर नू कुछ ना आखिया जे, ओए दुश्मनी भी पई है, लड़ाई भी होई है, माफ भी नहीं जे कीता, फिर भी मोहब्बत ना कह रहे, उमर नू कुछ ना आखिया जे, तू कहना के जिदे ना मेरा मसला बन गया, जिदे ना मेरा पंगा बन गया, चुंगी अमर सद्दू दा ठाणा ही मेरा है, मैं इतना पैसा लगावांगा के इनू अंदर तनवा छड़ांगा, एदियां सत नस्लां भी याद करनगियां, तू पैसा लगा लगा के दो नंबर केस बनवा बनवा के अंदर तनवा देना, उधर सिद्दीक कह रहे सोनिया कुछ ना आखिया जे, सोनिया कुछ ना आखिया जे, इतनी देर दे अंदर उमर दा दिल भी नरम होया, सिद्दीक दे घर दे अंदर जांदे, पता चलदा सिद्दीक घर दे अंदर नहीं है, मस्जिद दे अंदर आंदे ने, जदों उमर अज मस्जिद दे अंदर दाखिल हुंदे ने, ए मंजर वेख्या के नबी पाक खड़े ते सिद्दीक हाथ बन के बैठा होया, नाल कही जा रहा के सोनिया कुछ ना आखिया जे, उमर अंज करीब आंदा है, नबी पाक उमर दे वल वेख्या के मिंबर दे वल चले जांदे ने, मिंबर दे खड़े हो करके नबी पाक फरमांदे ने, ओ यार कल नु तुसी लोग मेनू गालां कढ़िया कर दे, कल नु तुसी लोग मेरे ते पत्थर सुट्टिया कर दे, कल तुसी लोग मेनू झूठा आखिया कर दे, इक सिद्दीक सी ना जेड़ा मेनू सच्चा आखिया करदा सी, ओ यार क्या तुसी मैं मुहम्मद दी खातर सिद्दीक नु माफ नहीं जे कर सकदे, इतने लफ्ज बोले उमर भी रो पैंदे ने, नबी पाक मिंबर ते खड़े हो के शाने सिद्दीक अकबर बयान कीती है, फरमाया ओ यार आज तो बाद कोई भी मेरे यार सिद्दीक ना नाराज ना होवे, नबी पाक ने हुक्म दिता, नबी पाक ने अपनी तकरीर च कह दिता कोई भी मेरे यार ते नाराज ना होवे। फिर ऐसा भी वक्त आया हजरत सिद्दीक
सिद्दीक अकबर फरमांदे जिदों तक मैं जिंदा रहा किसे ने भी मेरे नाल लड़ाई नहीं जे कीती। नबी दे वफादार यार ने, नबी दे जनाब मुहब्बत करन वाले साथी ने, नबी दे हुक्मां दे उत्ते अपनियां जानां कुर्बान करन वाले, नबी दे नाल प्यार करन वाले, मुहब्बत करन वाले। इस करके असीं हजरत सिद्दीक दी शान बयान करने हां। इधर इक शिया राजी उठ करके ऐ जनाब कुछ दिन पहले 14 जून वाले दिन 2020 दे अंदर 14 जून वाले दिन उठ करके कहंदा है कि अगर कोई डाकू जो है वो पुलिस की वर्दी पहन ले वो डाकू पुलिस वाला नहीं हो जाएगा। अगर इसी तरह कोई बंदा उठ के तो जनाब सहाबा का लिबास पहन ले वो सहाबी नहीं बन जाता। हजरत सिद्दीक अकबर नु गालियां कड़ियां। मैं कहना तू हजरत सिद्दीक अकबर नु गालियां कड़ियां ओ मूते दी पैदावार, तेरा ते एक बा भी कोई नहीं। तू जनाब काला मुंह लेके काले कपड़े पाके सिद्दीक अकबर दी शान दे अंदर गुस्ताखी कीती है। रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना सिद्दीक दी शान कल भी जिंदाबाद सी आज भी जिंदाबाद है। सिद्दीक दी शान दे अंदर गुस्ताखी करन वाला आप जलील ते हो सकता है, सिद्दीक दी शान दे अंदर फर्क नहीं उपैन वाला। एक होड़ ओड़त उठी, ओड़त उठ करके टीवी चैनल दे ऊपर बैठ करके कहंदी है हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत फातिमा तो जहरा के साथ बेइंसाफी की थी, हजरत फातिमा का हक खा गए सिद्दीक अकबर। मैं कहना जिदे बारे नबी पाक ने कह दिता रहिम अल्लाह अबू बकर, अल्लाह अबू बकर ते रहम फरमा। जिदे बारे नबी पाक ने फरमा दिता अगर अबू बकर तू अमल कोई ना करे तू जंती है, ओए बारे तुसी बकवास करके अपना मुंह ते काला कर सकते हो, उन्हां दी शान दे अंदर गुस्ताखी नहीं जे कर सकते। जितने भी नबी पाक दे सहाबियां दे बारे, नबी दे सहाबा दे बारे बकवास करते ने, असीं हुकूमत पाकिस्तान नूं कहांगे इंटरनेट दे उते इन्ना दे बयान आंदे ने। हजरत अबू बकर नु गालियां कड़ियां जांदियां हैं, हजरत उमर फारूक नु गालियां कड़ियां जांदियां हैं, जमीन दे उते इन्ना दे नाम लेके ऊपर खड़े हो करके बेहुरमती करदे ने। इन्ना नु पकड़िया जाए फांसियां ते लटकाया जाए, अगर इन्ना नु नहीं पकड़ोगे इस मुल्क पाकिस्तान दे अंदर फसाद होएगा। इस मुल्क नु अगर अमन दा गहवाड़ा बनाना चाहते हो शान सहाबा जिहड़े बयान करदे ने उन्हां दा साथ दित्ता जावे, जिहड़े बुग़्ज़े सहाबा अपने दिलां च रखदे इन्हां नूं फांसियां ते लटकाया जावे, क्योंकि शाने सहाबा जिंदाबाद है। नबी पाक दे सहाबा, नबी दे उत्ते जान कुर्बान करन वाले, नबी दे उत्ते मर मिट जान वाले, माल भी कुर्बान कीता, जान भी कुर्बान कीती। नबी पाक खंदक दे अंदर, सिद्दीक खंदक दे अंदर, नबी पाक मक्के दे अंदर, सिद्दीक मक्के दे अंदर, नबी पाक मदीने दे अंदर, सिद्दीक मदीने दे अंदर, नबी पाक तबूक दे अंदर, सिद्दीक तबूक दे अंदर, नबी पाक मस्जिद नबवी दे अंदर, सिद्दीक मस्जिद नबवी दे अंदर, नबी पाक आज आराम फरमा रहे ने अपने रोजे दे अंदर, सिद्दीक नबी पाक दे नाल लेटे है। सिद्दीक दी शान च गुस्ताखी, हजरत सिद्दीक अकबर दी शान इतनी है, हजरत सिद्दीक दा मुकाम इतना है, वो इतनियां तेरियां गालियां नहीं। काला मुंह लेके गालियां कढ़न वालिया, काले कपड़े पाके रो रो के कहन वालिया, असी हुसैन ना प्यार करने हां। अगर हजरत हसन हुसैन ना प्यार करना है तेनू हजरत हसन हुसैन ना मुहब्बत करन दे वास्ते सिद्दीक अकबर ना प्यार करना पेगा। नबी पाक दिया कंधिया ते हसन हुसैन बैठे, सिद्दीक अकबर दे कंधिया ते नबी पाक बैठे। इतनी शान है हजरत सिद्दीक अकबर दी। आइए जरा हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक दा यार है, नबी पाक दा गम जाती है, नबी पाक दा हम राज है। अगर नबी पाक दा सिद्दीक दे उते इत्माद ना हुंदा, सिद्दीक अकबर हम राज ना हुंदे, नबी पाक कदी भी नाल ले जाके हिजरत दा सफर ना कर दे। अज असी कोई सफर करना होवे असी अपने सफर च ओनू साथी बनाने हैं जिदे ते सानू इत्माद हुंदा, जिदे ते इत्माद नहीं असी कहने इनू यार फाड़ करो, यह दो नंबरी भी कर सकता है, यह किसी भी जनाब गलत काम च सानू मरवा सकता है, असी ओदे नाल चलने हैं जिदे ते सानू इतमाद होवे। अगर नबी पाक नू सिद्दीक ते इतमाद सी ते हिजरत दे सफर ते नाल लै करके गए, जिदो हिजरत दा सफर कीता अबू जाल लबदा लबदा हजरत सिद्दीक अकबर दे कर दे अंदर आया, अम्मा जी असमा दरवाजे ते आंदियां कहंदा दस असमा तेरा बाबा अबू बकर ते नबी किथे वे? फरमाया
मेनू पता ते है मगर मैं दसांगी नहीं। इंज थप्पड़ मार दे अम्मा जी असमा दा कन फट जांदा है, कन जाया हो जांदा है। फरमांदियां मर सकनी हां कट सकनी हां मगर नबी पाक दा राज फाश नहीं कर सकदे। सिद्दीक दा घराना है, सिद्दीक दा बाप भी नबी दा सहाबी है, सिद्दीक भी सहाबी है, बेटा भी सहाबी है। यह घराना है हजरत सिद्दीक अकबर दा। आइए जरा फिर सिद्दीक अकबर नबी पाक दे नाल रिया भी कर दे, नबी दी हर अदा तो वाकफ ने। जो कुरान मजीद दे अंदर यह सूरत नाजल हुंदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे कुरान मजीद दे अंदर जो ऐसी सूरत नु नाजल फरमाया, ईजा जा नसरुल्लाहि वल फत वरायत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। जिदो ऐ सूरत नाजल हुंदी है, नबी पाक दे सहाबा आपस दे अंदर एक दूजे नु कह रहे, यार अज दीन मुकम्मल हो गया है, अज साडा साडे दे दीन मुकम्मल हो गया है। एक दूसरे दे नाल मुहब्बत दे नाल मिलदे पे ने। एक कोने दे अंदर वेख्या सिद्दीक बैठ के रोंदा पिया, सिद्दीक को जांदे यार सिद्दीक सूरत नाजल हुई है तू रोन क्यों लग पिया। हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे ने के यारो ए सूरत नहीं नाजल हुई बल्कि नबी पाक दी मौत दा सनेहा आ गया जे। नबी पाक दुनिया तो चले जानगे, कहंदे यार ए कहो जियां गल्लां करना है। फरमाया यार जदों दीन मुकम्मल हो जावे, अज सूरत नाजल हुई है दीन मुकम्मल हो गया, जिदो दीन मुकम्मल हो जावे नबी दुनिया तो चला जांदा है। सिद्दीक यार नबी दे गम दे अंदर रोड़िया जे। सहाबा कहंदे सानू उस दिन पता चलिया जिदो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नबी पाक दुनिया तो चले गए। पहले ते असी कहने सा यार सिद्दीक एवें ही करदा पिया, जिदो नबी पाक दुनिया तो गए कहने यार सिद्दीक तू सच कहना है, सिद्दीक दे यार सच बोलन वाला आए। सिद्दीक कौन? सिद्दीक जिदो अमीरुल मोमिनीन बंदे ने अपना कारोबार करया कर दे कारोबार छड़ दिता, हजरत सिद्दीक अकबर अपना काम छड़ के सिर्फ लोगों की खिदमत की थी। हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे ने मेरी तनखा एक आम मजदूर दे मुताबिक कर दी जावे, मदीना दी रियासत दा अमीरुल मोमिनीन कह रहा है कि मेरी तनखा एक मजदूर दे मुताबिक कर दी जावे। अगर मेरा उस तनखा च गुजारा होएगा मैं समझ लवांगा कि गरीब मजदूर दा भी गुजारा हुंदा पिया, अगर मेरा गुजारा ना होया मैं अपनी भी तनखा वधावांगा ओदी भी वधावांगा। ऐ जे सिद्दीक अकबर आखरी वेला आंदा है, हजरत सिद्दीक अकबर दुनिया तो जान लगे ने, इंज कर दे अंदर चार पाई दे उपर लेटे होए ने। अम्मा जी आयशा सिद्दीका इंज अपने बाबा जान दे कोल आंदियां, आगे अपने बाबा जाम दे सराने वाले बैठियां होईयां, फरमांदियां बाबा कर दे अंदर कफन ही मौजूद नहीं जे, ना ही कफन वास्ते पैसे मौजूद ने। इंज बैठ के रोन लग पैंदियां। हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे बेटा कफन दियां लोड़ां ते उन्हां नूं होया कर दियां जिन्हां ने जिंदा रहना होवे, नहीं कपड़ियां दियां लोड़ां ते उन्हां नूं हुंदियां। मैं ते दुनिया तो चले जाना है, कर दे अंदर जितनिया पार्टियां पड़ानिया चादर जोड़ के मेनू कफन दे दिया जे। उथे गल अमला ना बननी है, कफन ना नहीं जे बननी, उथे अल्लाह दे कोल जाके अमल कम आने ने, कफन कम नहीं जे आना। फरमाया पड़ानिया कपड़िया दे अंदर ही कफन दे दिया जे। जो दुनिया तो जाते ने हजरत सिद्दीक अकबर 2 साल 4 महीने ते कुछ दिन खिलाफत दे उपर रहंदे ने, अज दुनिया तो चले जांदे। मोहल्ले दे यतीम बच्चे, मोहल्ले दियां औरतां जेड़ियां ने बुढ़ापे दे अंदर चलियां गईयां, ओ इंज सिद्दीक अकबर दा कर दे अंदर जनाजा उठदा है, ओ सारियां रोंदियां नजर आंदियां ने। नाल यतीम बच्चे कह रहे ने काश अज अबू बकर दुनिया तो ना गया हुंदा। यतीम रोंदे ते रो रो के कहंदे अज असी यतीम हो गया। लोग कहंदे यार तुहाडा बाबा ते पहले ही चला गया सी, अज तुसी किस तरह यतीम
तस्लीम होयो। फरमाया अबू बकर ने एक दिन भी सानू बाप दी कमी महसूस नहीं होन दिती, साडियां बकरियां दा दुध तो के पिलाया करदा। हजरत अली भी रोड़े ने हजरत अबू बकर सिद्दीक दी जुदाई दे अंदर फरमांदे, अगर मैं अपनी जिंदगी दे अंदर कोई बहादुर बंदा वेख्या तो मैं सिद्दीक वेख्या। वे यार अली कह रहा, अली कह कह के रोड़िया जे, पता नहीं तुसी किन्नू मानदे हो कि दे पिछे लग दे हो। अली भी रोड़िया हजरत अबू बकर दी जुदाई दे अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा नमाज़े जनाजा, हजरत उमरे फारूक पढ़ांदे ने, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, ऐसे तरह होर हजरत उमर दा बेटा हांजी कबर दे अंदर उतर के हजरत सिद्दीक नु कबर दे अंदर लटाया। नबी पाक दे दाएं साइड दे उते हजरत सिद्दीक अकबर दी कबर बनाई जांदी है। अम्मा जी दे हुजरे दे अंदर अम्मा जी फरमांदियां ने, मेरे हुजरे दे अंदर पहले मेरे बाबा दी कबर सी, हुण मेरे नबी मेरे बाबा पहले नबी पाक दी खावन दी कबर, हुण मेरे बाबे दी भी कबर बन गई है। दोनां दी कबर हुजरे दे अंदर बन जांदी है। ओ ऐ जनबी दा जनाब शागिर्द खास, ऐ जनबी पाक दे नाल चलन वाला, नबी दी खातर लोकां दे ताने बर्दाश्त करन वाला, नबी दी खातर मारा खान वाला। फिर जिदो मक्का फतह होया, नबी पाक मदीने तो मक्के आंदे ने ते आ करके फरमाया, जा अल हक वज़हक अल बातिल, अज हक आ गया बातिल चला गया। फरमाया जा अली चला जा जिथे भी तेनू बुत नजर आवे, बुत नू पन देना है, कोई बुत नहीं जेड़ा देना, बुतां नू तोड़ दिता जावे, क्योंकि हक आ गया बातिल चला गया। उस मदीने दे अंदर मदीने दी रियासत दा इमाम मदीने दी रियासत दे अंदर मक्के दे अंदर जा करके फरमाया हक आ गया बादल चला गया, बुतां नू तोड़ दिता जावे। जदों सन 47 दे अंदर असीं पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बनान तो बाद नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर असीं जनाब जदों पाकिस्तान बनाया, साडियां बजुर्गां जाना कुर्बान कीतियां, मावां भैणां दियां इज्जतां नू तार तार कर दिता गया। फिर मुश्किलां दे नाल मुल्क नू अलग कीता गया, फिर अलग हो गए, उधर अलग हो गए, इधर अलग हो गए। इन्हां नू मसाजिद मिल गईयां, उन्हां नू मंदिर मिल गए, उन्हां नू सिखां दे गुरुद्वारे मिल गए। अज जनाब साडे वजीर आजम इमरान खान साहब फरमांदे ने कि जनाब उन्हां नू भी ते हकूक देने चाहिए ने, उन्हां नू भी ते जनाब इस्लामाबाद दे अंदर मंदिर बनाने की इजाजत देनी चाहिए। खान साहब अपना वादा याद करो, तुसी जदों आए हो तुसी कह के आए हो कि मैं मदीने की रियासत बनावांगा, मदीने की रियासत च बुत बनाए नहीं जाते बल्कि बुत